नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे साथ है जिला परिषद की सदस्य और राजद नेता तुलसी राय जी की पत्नी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल जो घटना हुई, जो बताया जा रहा है कि तुलसी राय जी का अपहरण हुआ, अपहरण का आरोप बीजेपी के जो विधायक हैं राजू सिंह उनके ऊपर है, तो आपको घटना की जानकारी कब मिली, कैसे मिली, बताएं। हमारे पति गए थे चुनावन करने जी, रमेश तिवारी का तिलक समारोह था जी, तो उसमें गए थे चुनावन करने। सुरेश तिवारी चुनावन करने गए थे, तो वहाँ से चुनावन करके निकले जी। तो राजू सिंह 30 आदमी से अपना दल बल के साथ राइफल बंदूक लेकर हमारे पति के किडनैप किए, गाड़ी से उतार लिए, पिस्टल सर में सटा कर उतारे या बोले जो आज साले तुमको हम मर्डर कर देंगे। हाथाबाही करित मारपीट करते हुए अपना गाड़ी में बैठा लिए, गाड़ी में बैठा कर ले गए वो अपना कोल स्टोर पर। अब बोले जे आज साले तुमको मर्डर कर देंगे जी। हमारे पति बोल रहे थे जो बोरा मंगाए, ऑर्डर किए वो अपना आदमी के, ये ले आओ बोरा ले आओ, साले के आज मार को बोरा में कस के नदी में बिक देंगे। इतना ही देर में कुछ वो लोग जितना करना था वो करवे किया, इतना देर में पुलिस के हम लोग सोचना किए। बड़ा बाबू गए यहाँ से रिकवरी करके लाए। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको घटना की जानकारी कब मिली और कैसे मिली। वो हमारे पति के जब वहाँ से किडनैपिंग करके ले गए जी, हमारे ड्राइवर मिठू फोन किया। अच्छा, चाचा जी को ले गया राजू सिंह किडनैप कर। अच्छा, तो हम लोग जाने। अच्छा, कितना बज रहा होगा? 8:30। तो ये पुलिस प्रशासन में हम लोग फोन किए। जानकारी मिलने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आपने किसको फिर खबर किया? हम थाना पर फोन किए। अच्छा, बड़ा बाबू के फोन किए। अच्छा, देवरिया थाना में फोन किए तो उनका मोबाइल बंद था, सरकारी नंबर और प्राइवेट नंबर दोनों बंद था, डीएसपी साहब नंबर दोनों बंद था। डीएसपी साहब को फोन किए तो फोन रिसीव नहीं किए, 10 बार से ऊपर हम फोन किए तो फोन रिसीव नहीं। ये ऐसा करने के पीछे मंशा क्या लग रही है, किस वजह से ऐसा किया गया? इस वजह से किया गया, वो राजू सिंह का, राजू सिंह ये भी बोल रहे थे कि अमर फरफरा रहा हत्या कर दिए और तुम फरफरा रहा है तुमको भी हत्या कर देंगे, हत्या करके आज बोरा में कस्बे करेंगे, साले तुमको दरियाओं में बिगेंगे। अच्छा, तो ये राजू सिंह से तुलसी राय जी की कोई पुरानी अदावत है क्या? कोई पुरानी अदावत नहीं है। अच्छा, राजनीति का एथी है, आमने सामने लड़ाई है। अच्छा, उनसे दूसरा कोई एथी नहीं है। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई में ये प्रतिशोध लिया जा रहा है। देखबे किए हैं कितना नेता के मार के बिक दिया जाए तो है। अच्छा, राजू सिंह ऐसा तो एथी गुंडा है, भटियारा है, जो वो तो कितना के मार के साफ कर दिया, नहीं जान रहे हैं कितना तो बलदत्त सीओ के मारा था। तो सीओ वाले मामले में जो जो मामला सामने आया सीओ को और सीआई जब लड़ाई लड़ना था राजू सिंह का, तो टाइम दे के लड़ाई लड़ता। हम अपना आदमी के फोन करते, अपना दल बल का साथ हम लोग भी रहते, मर्द के काम तो ही था, तो मऊगा है, हिजरा है, किडनैप करके ले गया हमारे पति को अकेला देखकर मारपीट की, दम है तो टाइम देख आ तब लड़ाई के डेट बनाए। तो ये आपका कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध में ये किया गया और धोखा देकर के ये उनको उठाया गया हुआ। किडनैप करके ले गया, जान मारने का एथी में जान मारने के लिए बोरा मंगाया, पूरा इनका पुलिस नहीं पहुंचता तो जान मार देता।
तो अब आगे क्या रणनीति है, क्योंकि आपके पार्टी के ही बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, इसको पार्टी किस रूप में ले रही है? प्रशासन से हम लोग गुहार किए हैं, प्रशासन मदद नहीं करेगी तो हम लोग अपना आदमी से बैठ के मीटिंग करेंगे, एक बाद में हम लोग का जो होगा वो किया जाएगा बाद में। धन्यवाद। ये तुलसीराज जी की पत्नी बता रही थी कि ये राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया गया है और उनको धोखा दे करके उनका उनकी किडनैपिंग की गई और उनको मारने की साजिश रची गई थी और वो पुलिस को समय पर जानकारी मिल गई और